हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वस्तुस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल नॉन वेजिटेरियन फटाफट वाली डिश। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। हमारे पास है 1 किलो चिकन, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, थोड़ी धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, 2 मीडियम साइज आलू, 2 बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, चिकन मसाला और हल्दी, और हमारे पास है चावल। ये मैंने लगभग 3 कप चावल लिया है। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ चिकन पुलाव। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्रेशर कुकर में लिया है 2 कड़छी तेल। मैंने गैस ऑन कर दिया था, थोड़ा गरम कर देते हैं। तेल गरम हो गया है। अभी हम ये आलू जो है 4 पीसेस में, एक आलू को सिर्फ 4 पीसेस में काटना है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू को आराम से डालें, नहीं तो तेल के छींटे जो है आपके ऊपर पड़ जाएंगे। तेल गरम है अच्छे से। ये देखिए, इस आलू को भी बड़े बड़े पीसेस ही रखने हैं, जैसे हमारे पास बिरयानी में होता है आलू, वैसा ही बड़ा बड़ा पीसेस। थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम आलू को निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पोटैटोज हैं वो एकदम, आलू हैं थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको एक बोल में निकाल लेते हैं। आलू हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा आंच धीमी कर लें। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच जीरा। तेल गरम है, ध्यान रखें। और इसमें डाल देते हैं दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिरी, काली मिर्च और तेज पत्ता। ठीक है, अब इसको भून लेते हैं। तेल गरम ही था हमारा, जीरा हमारा स्प्लटर कर रहा है। अब इसमें डाल देते हैं ये बारीक कटे हुए प्याज। ये देखिए गया प्याज। प्याज के साथ ही हम 1/2 चम्मच, जैसा कि आपको पता है, नमक डालते हैं। उससे क्या होता है, प्याज जल्दी पक जाते, भुन जाते। 8 से 10 हमने हरी मिर्चियां ली थी और 8 से 10 लहसुन की ये ब्रांचेस। अब जो है इसमें साथ में कूटने के साथ में ही हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालने से क्या है कि ये फटाफट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज जो है हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। और साथ साथ जो हमने खड़ा मसाला डाला था, तेज पत्ता, दालचीनी, वो भी भुन गया अच्छे से। अब जो ये लहसुन और मिर्ची का हमने कूट ली थी, ये हम डालेंगे इसमें। ये दरदरा, आप मिर्ची और लहसुन जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितना स्पाइसी पसंद है। एज यू नो मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो मैंने 10-12 मिर्चियां ली थी और लहसुन भी 10-12 मिनट। तो इसी के साथ भून लेंगे इसको। ये देखिए लहसुन और मिर्ची जो है अच्छे से भून गई है। इसमें लहसुन की खुशबू भी आने लगी, दैट मींस लहसुन भी पक गया है, कच्चा नहीं। कच्चा रह जाता तो उसका रॉ स्मेल रह जाता है। ये पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक पीस करके चिकन, और साथ साथ में मिक्स भी करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है अच्छे से भुन गया है। आंच थोड़ी धीमी कर ले, थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लग गया। अब हम इसमें डालेंगे ये एक बड़ा फाइनली चॉप्ड टमेटो, और हम इसके साथ ही, टमाटर के साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी लगभग 1 चम्मच। जो है इसको मिक्स कर ले। हल्दी जो है वो टमाटर को हेल्प आउट करती है ताकि वो जल्दी गल जाए। थोड़ा टमाटर को भून लेते हैं।
तेज आंच पे। ये देखिए हो गए, गल गए हमारे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला, फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच, फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला 1.5 चम्मच और इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा मसाले भुन जाए। ये देखिए थोड़ी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है मसालों की। इसमें ही साथ में हम लोग अभी जो हमारा जो मसाले जो है भुन गए हैं, बट साथ में अब जो राइस रखा था हमने वो भी डाल देंगे, थोड़ा सिम कर लेते हैं। ये देखिए राइस हमने डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है, अब जो हमने फ्राई किए थे आलू वो भी हम साथ में ही डाल देंगे। फ्राई करने से आलू को क्या है वो टूटते नहीं है, जब ये पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा ना टूटेंगे नहीं और मस्त एक फ्लेवर जो है उसमें बैठ जाएगा। नमक चेक कर ले, अगर आपको कम लगे तो स्वाद अनुसार नमक डाल, थोड़ा मैं आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, आंच मैंने तेज कर दी है। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे और इसको 2 विसल्स देके फिर दम पे रख दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुलाव रेडी है। 2 विसल्स के बाद दम निकल गया है। लेट्स सी क्या खुशबू आ रही है, मस्त एकदम। तो अब हम इसको सर्विंग के लिए रेडी कर। बहुत लोग जो है वो देख रहे हैं रेसिपीज, बट प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे आपको पता चलेगा मेरी जो नेक्स्ट रेसिपीज है वो कब कब आ रही है और मैं क्या क्या स्पेशल डालती हूँ। इट इज जस्ट फॉर यू गाइस, सो टिल देन वसुधा साइनिंग ऑफ।